नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मैं फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि विधानसभा सचिवालय में भर्ती निकाली गई है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जो कि ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी एक अच्छी वैकेंसी है और ये जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है, यानी नया साल के दिन से ही 21 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा, हम पूरी प्रक्रिया बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी विधानसभा सचिवालय में भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म को भरना है, पूरी प्रक्रिया बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लाऊंगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों, ये देखिए बिहार की अपकमिंग वैकेंसी है जो कि 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, अगर ये फॉर्म जैसे बना स्टार्ट हो जाती है तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको हम बता देंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि जो विधानसभा सचिवालय भर्ती होने वाली है कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। और दोस्तों, अगर ये फॉर्म जैसे आ जाता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि फॉर्म को भरना कैसे है। तो दोस्तों, आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि विधानसभा सचिवालय भर्ती होने के लिए कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है, जो कि हमने आपको बताया कितनी वैकेंसी हैं ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बताते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विधानसभा की ओर से हाल में 183 पदों पर सिक्योरिटी गार्ड की, ड्राइवर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, यानी जो टोटल पोस्ट है 183 है, जो कि बिहार विधानसभा सचिवालय में भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आवेदन की स्टार्टिंग हो रही है 2 जनवरी 2024 को हो रही है और लास्ट अंतिम तिथि है 21 जनवरी 2024 को। तो दोस्तों, आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा डेट पर, क्योंकि ये डेट ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस डेट के बाहर भरिएगा तो आपका न फार्म भरा जाएगा न फार्म एक्सेप्ट होगा। अगर आप इस फार्म को भरने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप इस फार्म को भरिएगा। और दोस्तों देखिए, अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको अप्लीकेशन फ़ीस भी पे करना पड़ेगा, जो कि अगर आप बिहार राज्य से हैं, EBC, BC, EWS या अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवार हैं तथा राज्य के जो बाहर हैं, यानी कि जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश, झारखंड और अदर स्टेट से हैं, तो आपको यहाँ पर जनरल मानकर ₹675 का फीस भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप यहीं पर बिहार के SC ST हैं तो दोस्तों, आपको यहीं पर ₹180 देना पड़ेगा। और बिहार राज्य के जो जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो उनको भी ₹675 ही फीस पे करना पड़ेगा। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, बता दें कि अगर आप इस फॉर्म को सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भरेंगे तो 80 पद हैं इसमें, डाटा एंट्री के पद पर आप भरेंगे तो 40 है, ड्राइवर के पद पर 9 हैं, ऑफिस अटेंडेंट के पद पर 54 है। दोस्तों, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 183 है, जो कि हमने आपको अभी बताया है वीडियो के शुरू में ही। इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष है तो दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। अगर आपका जो मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम एज 37 वर्ष है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह जो आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2024 के अनुसार ही आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष तक होना चाहिए। अगर दोस्तों, अगर आपकी जो एज है 37 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है तो आपको सरकारी नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट भी दिया जाएगा, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दोस्तों, मैं जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आप विधानसभा वैकेंसी 2024 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो आप फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। तो जो कि हम अपने थंबनेल पर भी लिख देंगे कि 10वीं और 12वीं पास अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो दोस्तों देखिए कि जैसे ये फॉर्म यहाँ पर ये लिखा गया कि ऑफलाइन माध्यम से भरा जाएगा, हालांकि यह कन्फर्म होगा 1 या 2 जनवरी 2024 को ही यह फॉर्म कैसे भरा जाएगा। अगर यह फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है तो दोस्तों मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरना कैसे है, कहां पर जाकर स्पीड पोस्ट करना है, सब इस वीडियो में बताएंगे। अगर आने वाली वीडियो होगी, अपकमिंग जो वीडियो होगी हमारी, अगर भर्ती जैसे ऑन हो जाती है, वैकेंसी चालू हो जाती है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता है, तो दोस्तों हम ज़रूर आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर ही। तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो हमारे पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।